हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर वाइज सॉल्व सॉल्यूशन। आज हम बात करते हैं, अभी तक निमेटोड्स की बात कर रहे थे, और निमेटोड्स में कुछ अदर निमेटोड्स की बात करते हैं एस्केरिस को छोड़कर। तो आज जो निमेटोड्स अदर निमेटोड्स हैं, जो छोटे छोटे उसमें पैचेज में दिए हुए हैं, और इससे क्वेश्चन खूब बनते हैं। तो आप स्क्रीन पर देखिएगा क्वेश्चन हम बताना शुरू करें, उससे पहले एक रिक्वेस्ट कर दें कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सीट वर्म किस क्रम का दूसरा नाम है। द सीट वर्म इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ, तो सीट वर्म दूसरे किस वर्म का नाम है, तो आप बताइएगा। तो पिन वर्म को हम सीट वर्म के नाम से जानते हैं। अब हम कुछ वर्मों के नाम बताते हैं और उनको आप नोट कर लीजिएगा। एस्केरिस को कॉमन राउंड वर्म बोलते हैं, इन साइक्लोस्टोमा को हुक वर्म बोलते हैं, निकेटर को हुक वर्म बोलते हैं, बाउचेरिया को फलेरियल वर्म बोलते हैं, एंटरोबियस को पिन वर्म बोलते हैं, ट्राइक्यूरिस को विप वर्म बोलते हैं, ड्राइकुनकुलास को ग्वाइनी वर्म बोलते हैं, लोवा लोवा को आई वर्म बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग गेल्डवाइड्स को थ्रेड वर्म बोलते हैं। तो ये कुछ वर्म थे जो जिनके नाम हमने आपको उनके जूलॉजिकल नेम आपको दिए। तो चूंकि यहाँ पूछा है सीट वर्म का अल्टरनेटिव नाम क्या है, तो सीट वर्म को हम पिन वर्म के नाम से जानते हैं। इसका जो नाम होता है एंट्रोबियस वर्मिकुलेरिस बोलते हैं, एंट्रोबियस वर्मिकुलेरिस के नाम से जानते हैं। दिस वर्म इनहिबिट्स ह्यूमन सीकम, देखिए ह्यूमन सीकम कोलन अपेंडिक्स एंड रेक्टम, इट इज मोनोजेनेटिक। ये कैसा होता है, मोनोजेनेटिक होता है, नो इंटरमीडिएट होस्ट, यानी ये अपना जीवन चक्र एक ही जीव में व्यतीत करता है। कौन, पिनवर्म। पिनवर्म का दूसरा नाम एंट्रोबियस वर्मिकुलेरिस। एग कंटेन रेबडी फॉर्म लार्वा, इनके एग से रेबडी फॉर्म लार्वा निकलता है। इट काजेज ऑक्सीयूरियासिस, द मेन सिम्टम बींग इचिंग ऑफ एनल पार्ट्स। इसमें क्या होता है, ऑक्सीयूरियासिस नाम का एक रोग उत्पन्न करता है, जिससे क्या होता है, लेटरिंग का जो रास्ता होता है उसमें खुजली होती है, और खासकर रात्रि के समय सबसे ज़्यादा खुजली होती है। तो ये था आपका जो अभी हमने आपको बताया एंट्रोबियस वर्मिकुलेरिस पिनवर्म, पिनवर्म की पूरी जानकारी आपको दी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रिलेटेड टू द एलिफेंटेसिस, तो इसमें कौन सा पेयर एलिफेंटेसिस से रिलेटेड है, तो वो पेयर है कौन सा, बी, बाउचेरिया क्यूलेक्स मच्छर से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्केलेहेल्मिंथीज संबंधित है, किससे संबंधित है, तो आप बताइएगा। तो एस्केलेहेल्मिंथीज संबंधित है, तो आप बताइएगा किससे संबंधित है, तो वो है गिनीवर्म से। किससे संबंधित है, गिनीवर्म, तो ध्यान रखिएगा। गिनीवर्म होता क्या है, तो इसको बोलते हैं ड्राइकुनकुलस मेडिनियांसिस के नाम से जानते हैं ग्वाइनीवर्म को। इट इज आल्सो कॉल्ड द फेरी सर्पेंट के नाम से जाना। द एडल्ट वर्म अकर इन द सबक्यूटेनियस टिश्यू स्पेशली ऑफ आर्म शोल्डर्स एंड लेग्स फॉर्मिंग ब्लिस्टर्स। फीमेल इज वेरी लॉन्ग व्हाइल मेल इज शॉर्ट। डाइजेनेटिक इंटरमीडिएट होस्ट इज साइक्लोप्स। इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है साइक्लोप्स, और जो दूसरा होस्ट होता है मनुष्य, तो इसमें क्या होते हैं, फफोले पड़ने लगते हैं, बॉडी में फफोले पड़ने लगते हैं। ये एस्केलेहेल्मिंथीज का सदस्य है, ध्यान रखिएगा। ये डाइजेनेटिक है, इसमें इंटरमीडिएट जो होस्ट होता है वो साइक्लोप्स होता है या वाटर फ्लाइज होते हैं। द ग्वाइनी वर्म्स डिजीज हैज़ बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। द लास्ट केस वॉज रिपोर्टेड फ्रॉम द जोधपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान इन जुलाई 1996। ये पूरा भारत से इस रोग का पूर्ण रूप से खात्मा हो चुका है, परंतु 1996 में जोधपुर के जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, जो राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है जोधपुर, वहाँ एक केस देखने को मिला था। तो इसे दूसरा नाम इसका क्या, ग्वाइनीवर्म का, फेरी सरपेंट के नाम से जानते हैं, फेरी सरपेंट, और इसमें ब्लिस्टर्स पड़ते हैं, छाले पड़ते हैं। तो ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, अभी हम आपको इसके डिटेल देंगे पूरा विद नोट्स के साथ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनीलिड्स इज पैरासाइट ऑन स्नेल फ्रॉग. तो इसमें कौन सा एनीलिड्स है जो पैरासाइट्स है बताइएगा स्नेल और फ्रॉग में. तो वो है ग्लॉसीफोनिया. ग्लॉसीफोनिया एक पैरासाइट एनीलिड्स है. अब हम बात कर रहे हैं एनीलिड्स में, हमें लगता है प्रवेश कर चुके हैं हम लोग. चलो एनीलिड्स की बात कर लेते हैं. एनिमल विच मेंटेन दियर बॉडी फ्लूइड कंसंट्रेशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द ईयर इमीडिएट इन्वायरमेंट इंक्लूड. तो अब इसको ऑप्शन दिए हुए हैं, चार ऑप्शन हैं, देख लेते हैं कौन सा सही है. तो इसका ऑप्शन बी सही है, अर्थवर्म्स एंड लीचेस. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पॉलीकीटा द नेचर ऑफ सीटी. पॉलीकीटा में सीटी की प्रकृति होती है तो वो कैसी होती है सीटी की प्रकृति. तो वो होती है जैसे कि चार ऑप्शन दिए हैं, बहुतायत होती है, एकल होती है, समूह में होती है, समेकित होती है. तो इनका जो सही ऑप्शन है कि ये कैसी होती हैं, बहुतायत होती हैं. कैसी होती हैं, बहुतायत होती हैं. तो ये ऑप्शन सी हमारा सही है. विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन बिटवीन पेरिथिमा एंड पेरिप्लेनेटा में, दोनों में कॉमन क्या होता है. तो वो कॉमन है वेंट्रली लोकेटेड नर्व कॉर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ्रोडाइट कॉमनली नोन एज सी माउस इज. तो आप बताइएगा एफ्रोडाइट. एफ्रोडाइट कॉमनली नोन एज सी माउस इज, तो वो कौन सा है, एन एनीलिड्स. तो हमारा ए ऑप्शन सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लिंक बिटवीन एनीलिड और मोलस्का. एनीलिड और मोलस्का के बीच में लिंक का काम कौन करता है. तो आर्कियोपिटेरिक्स, पेरिपेटस और नियोप्लाइना और सीलियोकैंथ. तो इसमें से जो है नियोप्लाइना जो है वो किसका काम करता है, वो काम करता है हमारे दोनों कनेक्टिव लिंक का, एनीलिड और मोलस्का. यूनिक करेक्टर्स ऑफ एनीलिड्स. एनीलिड्स का एक यूनिक करेक्टर कौन सा है, तो आप बताइएगा. वो है हमारा यूनिक करेक्टर है नेफ्रीडिया का पाया जाना. हम आपको एनीलिड्स के बारे में बता दें कि इसकी अभी तक जो जातियां ज्ञात हैं 9000 जातियां ज्ञात हैं. और इसको जो लैमार्क ने एस्टेब्लिश फाइलम एनीलिडा जो किया था, वो लैमार्क ने किया था. एनीलिडा आर बाइलेटरल, यू सिलोमेट होता है, इसमें ट्रू सिलोम पाई जाती है. इसकी सिलोम को साइजोसिलिक बोलते हैं. क्या बोलते हैं, साइजोसिलिक. सेगमेंटेड वर्म्स में साइजोसिलिक होती है. कोलन एपियर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन. जब कोलन पहली बार इसमें दिखाई दिया था, जब ये इवोल्यूशन इसका चल रहा था. बॉडी वर्म लाइक मेटामेरिक होती है, ध्यान रखिएगा. तो ये कुछ बातें थी आपको. और इसमें सीटी पाई जाती हैं, विच आर द काइटिनियस एंड अनजॉइंटेड. काइटिनियस होती हैं और ज्वाइंट नहीं पाए जाते हैं. और एलिमेंट्रिक कैनाल जो होती है इसकी सीधी होती है. एक्सक्रीटरी ऑर्गन इनमें नेफ्रीडिया पाए जाते हैं. एनस इन द लास्ट बॉडी सेगमेंट, सो ए पोस्ट एनल टेल इज अब्सेंट. और बता दें, देयर इज ए ट्यूब विद इन ए ट्यूब प्लान ऑफ द बॉडी. ध्यान रखना, देयर इज ए ट्यूब विद इन ट्यूब, मतलब ट्यूब के नुमा हो तो उसमें भी एक ट्यूब नुमा समझना है. ये प्लांट पाया जाता है इसमें. तो ये कुछ हमने आपको पॉइंट्स बताए हैं. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एनीलिड्स इज ए पैरासाइट ऑफ स्नेल एंड फ्रॉग. तो वो कौन सा था, तो वो था ग्लॉसी फोनिया जो था. ये पैरासाइट होता है. कैसा होता है, ग्लॉसीफोनिया जो है ये एक पैरासाइट है, ध्यान रखिएगा. बोनेलिन पिगमेंट इज तो आप बताइएगा. तो ग्रीन इन कलर होता है. बोनेलिन पिगमेंट इज ग्रीन इन कलर. तो ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा, बोनेलिन जो पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का होता है. कैसा होता है, बोनेलिन जो पिगमेंट होता है वो ग्रीन कलर का होता है या हरे रंग का होता है. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनीलिड्स इज ए पैरासाइट ऑन स्नेल एंड फ्रॉग. तो क्या होता है, ग्लॉसी
फोनिया, ये बात नहीं 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 तो इसके इसमें ऑप्शन ए दिया हुआ है, एकैंथोपडेला। एकैंथोपडेला में लीच आती है जिसे जोंक बोलते हैं, और ग्लोसोफोनिया भी एक लीच की तरह ही जाती है। आपको इसका पिक्चर भी दोनों का दिखा देते हैं। तो उसने इसमें चूंकि लीच आती है और ये डायरेक्ट लीच की तरह है, तो कहीं कहीं ये सही माना है, कहीं कहीं ये सही माना है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्वेश्चन उपलब्ध करा रहा है। दोनों के बारे में हम जानकारी दिए दे रहे हैं आपको। ये देख रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एनीलिड इज द पैरासाइट ऑन स्नेल एंड द फ्रॉग। तो उसने एकैंथोपडेला को माना है, एकैंथोपडेला और पेलेडियाना द लीच को बोलते हैं। ध्यान रखना किसको बोलते हैं, लीच को बोलते हैं। इट इज द फीड ऑन द स्किन ब्लड, इस बेस पे इसको बोला हुआ पैरासाइट बोला हुआ। और दूसरा हम आपको इसका दूसरा भी, ये आप ग्लोसिफोनिया देख रहे हैं तो बिल्कुल लीच की तरह होती है, ये आप देखना है बिल्कुल लीच की तरह, और ये खून चूसने का कार्य करती है। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन अगर जिसने भी डाला है तो एक में उसने पूरा एरिया कवर किया है, एक में पर्टिकुलर नाम दिया है, तो दोनों पैरासाइट्स हैं, तो इसलिए ऐसा कन्फ्यूज़न हो सकता है कहीं ये कहीं वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक ऑफ द हेट्रोनेरिस फेस इन फेस ऑफ नैंथिस। तो बताइएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक हेट्रोनेरिस, और हेट्रोनेरिस आप फेस देखे होंगे तो बताइएगा। तो उसमें क्या होता है, हेट्रोनेरिस में एपिटोक पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, एपिटोक देखने को मिलते हैं। ये आपको बीएससी में मिलेगा नेरिस, जब आप पढ़ेंगे कॉर्डेड उसमें इन्वर्टिब्रेट्स में तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेल इज द पैरासाइट ऑन फीमेल, इनमें कौन सा मेल होता है जो पैरासाइट ऑन फीमेल पर पैरासाइट होता है, बताइएगा। तो वो होता है बोनेलिया, क्या होता है बोनेलिया। चलो हम बोनेलिया के बारे में भी आपको बता देते हैं। तो बोनेलिया होता क्या है, तो बोनेलिया विल्डिस ग्रीन स्पून वर्म बोलते हैं, इज ए मैरीन वर्म क्लास एक्यूरा फाइलम एनेलिडा का सदस्य है। और इसकी खास बात जो होती है, जो पॉइंट आप देखिएगा, इट लिव ऑन द इनसाइड द बॉडी ऑफ ए फीमेल। ये क्या होता है कि इसमें मेल ना के बराबर होता है और ये बॉडी फीमेल के अंदर पाया जाता है। और बोनेलिन होता क्या, ये भी देख लिया, आप पिक्चर देख रहे हैं, ग्रीन स्पून वर्म है, एडल्ट फीमेल है जिसके शरीर के अंदर मेल रहता है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो अक्सर किताबों में नहीं मिलते हैं। कभी कभी क्या होता है, जो लोग पढ़ रहे होते हैं एडवांस किताबें पढ़ रहे होते हैं, अगर उसको कोई नेट पे अगर उसने सर्च किया कोई क्वेश्चन मिल गया उससे संबंधित, तो भी उठा कर रख देते हैं। तो ये भी आप दिमाग पर बना के चलिएगा कि आप लोग थोड़ा सा उससे संबंधित नेट पर भी पढ़ लिया करें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो बोनेलिया समझ में आ गया होगा, बोनेलिया एक ऐसा है जिसका मेल पैरासाइट फीमेल में पैरासाइट के रूप में रहता है, बोनेलिया। ये एक एनीलिड्स है। ट्रोकोफोर लार्वा ऑफ नीनेंथिस इज करेक्टराइज्ड बाय, ट्रोकोफोर लार्वा किस में पाया जाता है, सॉरी ट्रोकोफोर लार्वा इज करेक्टराइज, इसका लक्षण क्या होता है ट्रोकोफोर लार्वा का, तो बोथ एपिकल एंड हॉर्जेंटल रोज ऑफ सीलिया। इसमें एपिकल भी सीलिया होते हैं और हॉर्जेंटल रोज सीलिया भी होते हैं। ट्रोकोफोर लार्वा इज नेंथिस इज करेक्टराइज्ड बाय द पोजिशन ऑफ, तो इसका पोजिशन क्या होता है, बोथ एपिकल रो सीलिया एंड हॉर्जेंटल रो ऑफ सीलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है, एपिटोक, अभी हमने आपको बताया था एपिटोक इन नेरिस इज एसोसिएटेड विथ, तो किससे संबंधित होता है, तो वो संबंधित होता है रिप्रोडक्शन से। देखिए जब नेरिस रिप्रोडक्शन करने को होता है तो उसका जो पीछे वाला भाग होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है और उसको एपिटोक बोलते हैं, जो जन संबंधी। और ये क्या करता है, उसमें उस पर बॉडी सरफेस पे बहुत तेज़ी से तैरता है, समुद्र की बॉडी सरफेस पे बहुत तेज़ी से तैरता है। हाउ मैनी आई आर प्रेजेंट इन क्लैम वर्म, क्लैम वर्म तो आप सब जानते हैं किसको बोलते हैं, नेरिस को बोलते हैं। तो हाउ मैनी आइज आर प्रेजेंट इन क्लैम वर्म्स, तो कितनी पाई जाती हैं, टू पेयर्स पाई जाती हैं, दो जोड़ी आँखें इसमें हमें देखने को मिलती हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट इन द ट्रंक, इनमें से वो कौन है जिसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ट्रंक में वो एब्सेंट होता है या अनुपस्थित होता है, जो रक्त संचरण तंत्र होता है वो अनुपस्थित होता है, तो वो नेरिस होता है। ट्रंक में नेरिस के सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द न्यूक्लियल ऑर्गन फाउंड इन नेरिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर,
तो जो नुकल ऑर्गन्स होता है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो ऑल्फैक्ट्री फंक्शंस के लिए होता है। तो देखिए यहाँ उसने आपकी बीएससी की बुक से क्वेश्चन को ढेर सारे पूछे हैं, आप जो नेरिस पढ़ते हैं तो वो नेरिस में पहुँच गया, आप बीएससी में नेरिस को पढ़ते हैं। पैरापोडिया आर स्ट्रक्चर रिलेटेड टू, पैरापोडिया किससे संबंधित है, तो आपको बता दें कि पैरापोडिया का काम दोनों होता है, लोकोमोशन और रिप्रोडक्शन दोनों कार्य होता है पैरापोडिया का वर्क करना। हाइड्रोनेरिस ड्यूरिंग इस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम द नेरिस एक्वेरिस, तो बताइएगा, तो हम आपको बता दें बी सही है, इनलार्ज द पैरापोडिया इन द पोस्टीरियर हाफ ऑफ द बॉडी, एपिटोक का विकास हो जाता है। नेक्स्ट है स्पर्मेथिका इन द फेरिटमा आर सिचुएटेड इन, तो किन सेगमेंट्स में पाया जाता है स्पर्मोथिका, तो वो पाया जाता है 6th, 7th, 8th और 9th सेगमेंट में। हेट्रोनेरिस ड्यूरिंग इट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम नेरिस एक्वेरिस, हेट्रोनेरिस अवस्था से रूपांतरण के दौरान अधिग्रहित करता है, तो आपको हमने बताया ही था क्या अधिग्रहित करता है, तो वो क्या अधिग्रहित करता है, शरीर के पश्च भाग में लंबे आकार के पैरापोडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैफ्लोसोल इन अर्थवर्म इज मीन्ट फॉर, जो केचुए में टैफ्लोसोल का कार्य होता है, तो अब बताएगा केचुए में टैफ्लोसोल का कार्य क्या होता है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसका क्वेश्चन छांट कर हमें उपलब्ध कराइएगा कि केचुए में टैफ्लोसोल का कार्य क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताना ना भूलिएगा। इसी के साथ नमस्कार, शुभ रात्रि।